हे व्हाट्सअप गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। आज है एक और टास्क। ये जो पाइप उस दिन लगवाए थे हमने यहाँ पर, जिस पे लटकन लगेंगे यहाँ पर, और ये पूरा जंग लगा हुआ है इन पाइपों पे ना, तो अब यहाँ पे पेंट करेंगे इनके ऊपर ना, ताकि थोड़ा सा लुक इनका ठीक हो जाए। तो येलो पेंट करेंगे इसके ऊपर। ये रहा पेंट जो कल लेके आए थे अपन। गुड मॉर्निंग भाई, और ये देखिए मंकी मैन को कहाँ बैठे हुए हैं। ए भाई, छुट्टी का भरपूर उपयोग हो रहा है ना, करवा रखा है। फरी का खाते रहते हैं है? मैं सोच रही हूँ आज काम लगा दो। नहीं, मॉर्निंग से ही लगे हुए भाई। पहले गाड़ी धोई भाई हमने बाहर का किया, और मजाक की बात है, काम पूरे करते हैं, यही इन्हीं के काम होते हैं। मेरा तो नाम होता है। लगे पड़े धूप में हैं, सही है ना? सही। ये बीच का है, गैर बॉर्डर लग रहा है वैसे। गिरने से फिर लग डर रहा है। क्या है ये रही सीढ़ी? कहीं फिर से ढुड्डी लग जाए, टिक टिक जाए। सही हो रहा है, काम फिट चल रहा है ना। सही है, डबल कोट लगेगा वैसे। हेलो भाई, गुड इवनिंग सभी को। और आप आज देख रहे होंगे कि ये क्या मैंने जो है ना कतरन बाजार फैला दिया है, तो भाई कह भी सकते हैं कतरन बाजार ही है। एक्चुअली क्या है कि मैं कई बार सूट सिलवाती हूँ ना, तो उनके कुछ टुकड़े बच जाते हैं टेलर के पास, तो मैं उठा लाती हूँ। क्योंकि उसके पीछे रीजन तो क्या होता है कि कई बार कपड़े पे प्रेस लग जाती है, तो वो उसके पीसेज हमें चाहिए होते हैं, लेकिन इकट्ठे होते होते इतने हो गए हैं तो मैंने फेंके नहीं हैं। तो उनका एक यूज़ मैं आज आपको दिखाती हूँ क्या कर सकते हैं। कि अपनी जो ये लटकन होती है ना, ये देखो मैं अभी इनमें फूल लगाऊंगी, ठीक है ना, 10 बजिया 11 बजिया जो अपने बोल देते हैं, है ना, तो वो वाले गर्मियों के जो है, क्या नाम है, मैं भूल गई, लूनिया। अच्छा हाँ, सर ने बताया अभी, उसका नाम है लूनिया, ठीक है। वैसे नॉर्मल भाषा में आप जब पूछते हैं कि ये कैसे हैं, आते हैं पिंक, येलो, डार्क पिंक, तो उसका नाम है लूनिया। तो वो अब मैं लगाने जा रही हूँ। तो ऐसा क्या है कि ये जो लटकन होती हैं ऊपर लटकाते हैं, तो इनमें इतनी सारी मिट्टी डालते हैं तो ये हैवी हो जाती हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ तो आपने देखा भी होगा बंदर हैं, तो बंदर इनको हिला के गिरा जाते हैं और ये टूट जाती हैं। तो अब क्या करूँगी, एक तो ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए मैं अब आपको दिखाती हूँ इनको जो है ना, पहले थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में आपको और दिखाया था कि मैंने बोरी के टुकड़े डाले थे, तो अब इनको मैं क्या करूँगी, नीचे मिट्टी, फिर इन कपड़ों को बीच में रख दूँगी, और फिर ऊपर से थोड़ी मिट्टी और डाल के फूल लगा देंगे। उससे क्या होगा कि एक तो ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैवी नहीं होंगी, ऊपर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि गर्मियों में ये कपड़ा पानी को अपने अंदर सोख के रखेगा, और उससे जो है नमी बनी रहेगी और पौधे सूखेंगे नहीं। तो उसके लिए यूँ है कि जैसे कई बार गर्मी होती है, 2-3 दिन कहीं बाहर चले गए हैं, पानी नहीं दे पाए हैं, तो उसमें क्या है कि कपड़ा पानी सूख के रखेगा और जो है नमी बनी रहेगी। और इससे क्या होगा कि इनको हम फेंकेंगे भी नहीं, और हमारा यूज़ भी हो जाएगा, और एक अच्छा सा फ़ायदा हमें ये मिल जाएगा कि पौधों को इनका जो खाद, धीरे धीरे ये जो है गलते जाएंगे, उससे इनकी जड़ों को खाद भी मिलेगा, जड़ को फैलने का मौका भी मिलेगा, और इससे वो ग्रो भी बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। ओके, चलिए करते हैं। अब ये जो है भाई लगाते हैं, देखो तो ये मैंने देखो ऐसे ही टूटी फूटी अपनी जो टूट गई है लटकन जो है, तो उनमें मैंने इनको ऐसे ही जब सर्दियों में दूसरे पौधे लगा रही थी, ऐसे ही इनकी टहनियाँ छोड़ दी थी। अब ये टहनियाँ होते होते देखो ऐसे अपने आप, उस टाइम तो बिल्कुल ऐसे हो गई थी डेड, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपने आप ये इतनी अच्छी ग्रो हो गई हैं। तो इनको मैंने ऐसे कई जगह लगा रखा है, ऐसे घूमते फिरते टूटा हुआ टुकड़ा मिल गया, आओ दिखाती हूँ मैंने कैसे लगा दिया। इन टायर्स को मैं वैसे कल यूज करूंगी, लेकिन इनमें देखो ये जो है ना अपने आप ही जैसे टूटा टुकड़ा मैंने इसमें लगाया था, तो ये कैसे हो रखे हैं। अब इनका मुझे ये फायदा मिलेगा कि मैं कई जगह देख रही हूँ कि मुझे ये जो है ऐसे ग्रो हुए मिल रहे हैं, देख रही हूँ तो इससे मुझे खुशी हो रही है कि मुझे कई सारे जो फूल खरीदने नहीं पड़ेंगे, मुझे मिल गए। एक उधर है, देखो आओ दिखाती हूँ, ये देखो एक, ये देखो मेरा पुदीना, मैंने ये जो है ना बास्केट आती है अपनी सब्जियों वाली वो लाई थी, और ये मुझे थोड़े से में मिल गई थी 10-10, 20-20 रुपए की, तो मैंने इनमें लगा दिया है। हमारी ज़मीन में दीमक होने के कारण कम ही होता है, लेकिन अब देखो कितना अच्छा ग्रो रखा है, एक उसमें रहा, तो ये देखो भाई फूल दिखाने के लिए आई, ये देखो एक ये रहा,
और ये टहनियाँ अब उठा उठा के लगाऊंगी ना तो ये जो है अपने आप ही ग्रो होती चली जाएंगी और इतना अच्छा रिजल्ट देंगी आप देखना, महीने डेढ़ महीने बाद ही पूरी जो डलिया अपनी वो भरी हुई मिलेगी फूलों से। तो चलिए लगाते हैं। लाल टमाटर, हरा टमाटर लाल हो गया, बंदर गिरा गया, छोटा सा ही बेचारा जो है ना राख में दबा दबा, जैसे देखो राख ने इसका हृदय जला दिया, हृदय जलाने से ये लाल हो गए। खाओ। एक अपना रेडी हो गया, ठीक है अभी इसको खाद पानी मिलेगा तो ये और ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ये भाई आप देख रहे होगे दो दो जगह से जो है लेके आ रही हूँ, तो क्या है तो जैसे अपना वो होता है ना कुठार, एक जगह लड्डू एक जगह जलेबी होती है, ऐसे ही हो गया है। ये मैंने जो है बना तो इसी से रखा है लेकिन इसमें थोड़ी सी मिट्टी की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो जो है थोड़ी राख ज़्यादा है तो उससे राख से खाद भी मिलेगा, दूसरे जो है हल्की होती है वजन नहीं करेगी और इसमें जो है पानी देने के बाद ये गिली गिली सी भी रहेगी, तो इसलिए जो है थोड़ी सी खाद और थोड़ी सी मिट्टी का जो मैंने बनाया हुआ है ये सारा मैंने बना के रखा हुआ पत्तों से, तो ये जो है इसमें डालती जाती है। और ये देखो हल्की इतनी है, वजन नहीं है बिल्कुल भी, पहले तो भरी थी तो मेरी कई टूट गई इसी कारण से कि उनमें वजन ज़्यादा हो जाता, ऊपर से गिरती गिरते ही वो टूट जाती थी, लेकिन अब ये हल्की हैं तो हल्की होने के कारण जो है इतनी नहीं टूटेंगी। इतना काम कर दिया तब से, लगा भी दिए, इस सब ने लगा दिए इसमें। हाँ। और ये कहाँ से चुन चुन के ला रहे हो इनको आप? ये भी कई दिन से संभाले नहीं गए हैं, कुछ जो खाली पड़े थे, कुछ में ऐसे पौधे उगाए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको एक बार सबको थोड़ा सा खाद पानी दे के रिपोर्टिंग करूँगी ताकि जो है अच्छे से अब फूल खिल जाएंगे। गर्मियों में इधर उधर लगाऊंगी क्योंकि ये कई दिन से मतलब 3-4 महीने से सारा का सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम हल्का फुल्का चल रहा है, उसकी वजह से बेचारी अस्त व्यस्त हुए पड़े हैं, इनका स्थान ही नहीं मिल रहा कहीं पर, तो अब लेके आ रही हूँ इनको इकट्ठा कर करके और सब जो है ठीक करूंगी। इन सब में लगा दिए? इनमें लगा दिए। अच्छा, ये फ्लोरिश करेंगे अब, ये कहाँ लगाओगे आप? इनको वो आगे जो पाइप लगवाई है उसके ऊपर लगाऊंगी, कल लटकाऊंगी, अभी उसमें कलर करना रहता है भाई, मैं करूंगी क्योंकि साहब जी ने थोड़ा सा छोड़ रखा उसको। तो अब जो है उनको कल मॉर्निंग में कलर करूंगी, ठीक है ना? मच्छर बहुत ज्यादा है। हाँ, मच्छर हो गए भाई, हम तो रुक ना पाएंगे। हाँ चलो ओके बाय बाय, आप जाइए, पानी आ गया, मैं थोड़ा सा पानी दूंगी अभी। चलो सुबह मिलते हैं। ओके भाई, गुड बाय और गुड नाइट। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून भाई, मैं भी उठा हूँ सो के, और ये देखो आप मतलब दोपहर में भी नहीं मानोगे, 3 बज गए, 3 दोपहर में ही है, मतलब 3 बजे देखो धूप कितनी है, और ये देखो यहाँ तक निपटा दिया मैंने, ये भाई थोड़ा सा पोर्शन जो है रहता था उस दिन सर ने कर दिया था लेकिन ये ऊपर जो है नहीं हो पाया था, इनके हाथ नहीं गए थे ना। हाँ, मेरा बैलेंस ठीक नहीं हो रहा था भाई यहाँ पे ना। अरे ऐसे ही करे, तो ये थोड़ा सा रह गया था, एक तो गर्मी धूप ज़्यादा हो गई थी और थोड़ा सा हालत देखो आपके, पसीने देखो कितने आ रहे हैं, मुंह पे भी गिर गया ये। कहाँ गिर गया? ये लगा हुआ है यहाँ पे पेंट, उतार लेंगे कोई बात, लगेगा ही वो तो। एक बार तो सोच रही थी मैं ग्लोव पहन लूँ, तो ठीक है हाथों से जो काम होता है भाई वो वैसे नहीं होता, कर भी दिया भी, कंप्लीट कर दिया वैसे ये डॉक्टर साहब ने, देखो वैसे साइडों के मैंने कर रखे थे, बीच का नहीं हुआ वो था। कहाँ का नंबर है डॉक्टर साहब पेंट का? दोपहर का हेलो भाई, गुड इवनिंग, और भाई शाम के बज गए हैं 3:30 और पसीना पसीना हो रखा है लेकिन काम करना है क्योंकि छुट्टी वाले दिन टाइम मिलता है, तो ये जो है पड़े हैं मेरे काफ़ी टाइम से, दिवाली के टाइम मैंने सोचा था इनको बनाने का, ये तेल के हैं सभी के सभी, इनको देख के आप समझ ही गए होगे कि मैं क्या बनाऊंगी,
तो इनको कलर करके इनको एज ए बाल्टी ऐसे ही जैसे लटकाना है, तो इनके ऊपर कुछ लिखा जाएगा या जैसे कुछ जो है इमोजी वगैरह बनाने का टाइम मिला तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो सीधे ही जो है येलो कलर की पेंट करके और इनमें मैं कोई बेल वगैरह लगा के ऊपर जो अपनी लटकन बना रखी है उन पर लगाऊंगी। ठीक है, तो अब इनको रंगने का काम कर रही हूँ, येलो कलर से ही रंगूंगी क्योंकि ये कलर आया हुआ है और ये कलर बना भी हुआ है, तो अब इसी से इनको मैं कलर करूँगी। ठीक है, येलो में वन बाय वन स्टार्ट। कर रही हूँ येलो कलर, और येलो क्यों कर रही हूँ, एक तो मुझे पसंद है और दूसरे क्या है कि ये चमकता अच्छा है, जो भी मतलब और कलर होते हैं उन सबसे थोड़ा ज़्यादा इसमें चमक रहती है, और इसमें जब हम हरे पौधे लगाते हैं तो और भी ज़्यादा जो है सुंदर लगता है, तो इसलिए बिल्कुल चौकड़े मार के बैठे डॉक्टर साहब हैं, यूँ कुड़ बैठे कब तक काम चलता, कई देर का काम है। ये भाई अपने जो बोई होते हैं ना, आपको पता है सहतूत की लकड़ी से बनते हैं, पहले के टाइम पे इनमें रोटियां रखने के काम आते थे, ऐसे तो नेचुरली अच्छे लगते हैं लेकिन ये पुराने हो गए काफ़ी, तो इनको भी जो है ना कलर करूँगी, इसके लिए मैंने स्प्रे पेंट लिया है, इससे करने में टाइम लग जाएगा, तो स्प्रे करके और मैंने एक लटकन लगाई हुई है अंदर ड्राॅइंग रूम में और दूसरा फिर इसकी बना रही हूँ, तो अब इसको इससे रंगूँगी, सीधी सी बात ये है, इससे इसका ज़्यादा कलर नहीं जाएगा, मतलब ऐसे ही लग रहा है जैसे सेम सेम, क्योंकि ये गोल्डन कलर का है। ये भाई वेस्ट भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरी कोई चीज़ वेस्ट जाती है, तो अब इसके नीचे दूसरे वाला है, तो जो फालतू जमीन पे जाके उड़ता ना उसको जो है नीचे वाला ले रहा है तो मेरा बच गया है। ये देखो, ये देखो अभी थोड़ा सा रहता है, इसको सीधा बाद में करूँ। और दूसरा पीला करने का रीज़न क्या है कि हमारी दीवार जो है ना वो रेड कलर की है, अब इसके ऊपर रेड या ग्रीन उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा जितना वाइट और येलो दिखाई देता है ना। चार बजे हुए हैं दोपहर के, और आपको हर संडे मतलब कुछ ना कुछ ये टाइप के काम चाहिए क्या? काम तो इतने हैं भाई कि मुझे कोई एक हफ्ते की छुट्टी दे दें तो मेरे ख़त्म नहीं हो, इसलिए मुझे संडे का वेट रहता है, वैसे इस पौधों से ही बाहर नहीं निकलती मैं, मेरे अंदर के काम तो पड़े ही रह जाते हैं, मेरे प्रेस के कपड़े देखोगे ना तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे इतने हो रखे पर उनमें तो ये रहता है सुबह सुबह ड्यूटी जाने के टाइम पर फटाफट एक के मारी और बाकी पहन लिया बस, पर पौधों में इतना टाइम लग जाता है, हर संडे मेरा इन्हीं में चला जाता है भाई, क्या करूँ इतने हो गए। अब ये जो है ना उस शराबी की तरह लत सी पड़ गई है, अब ये छुट्टी भी नहीं दी, क्या करें है ना, जिसको होती है ना भाई उसी को पता है, आप लोगों को पता है ये बातें, इनको नहीं पता, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं ना उनको इसका नशा हो जाता है कि हाँ मुझे करना है, ये चेंज करना है, ये लगाना है, क्या अपडेट करना है, बस इनके एक एक और मारू के नहीं बिल्कुल भी। हाँ, ये सूखने के बाद सही हो जाएगा, डबल कोट की जरूरत ना, ये मका कोई वो लकीर सी पड़ गई, अच्छा लग रहा है बस। ठीक है, कैसा लगा भाई, इनको नए कपड़े पहना दिए, काफी टाइम से पड़े थे अच्छा लगता है, वैसे मैं रंग करना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ किसी भी चीज को, नेचुरल रहने देते हैं, क्योंकि भैया एक तो इसमें जो केमिकल होते हैं ना, देखो हम कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन उन केमिकल से अब देखो मैं कर रही हूँ तो मुझे इसकी स्मेल और ये चढ़ तो रही है, और तो फिर ये हमारे जो पर्यावरण है उसको नुकसान तो पहुँचाता ही है, इसलिए मैं जितना होता है उतना नेचुरल रखने की कोशिश करती हूँ। ये तो गंदे हो गए थे काफ़ी टाइम से पड़े थे, और थोड़ा सा इनको नया लुक देना था इसलिए कर लिए, नहीं तो मेरी बहुत सी चीज़ें बोतल वोटल में ऐसे ही लगा देती हूँ, क्योंकि लगना तो उनमें पौधे ही हैं, और कई बोतल तो पौधे कवर ही कर लेते हैं तो उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो अपनी अपनी सोच है भाई,
कई लोगों के घर में इतने सारे ये नीचे कलर कर करके रखे होते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट में अपनी वो जो है पोल्यूशन छोड़ते ही रहते हैं, जिसकी बजाय हमें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। अभी मेरी तो ये राय है, आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। ठीक है, ओके, बाय बाय। चलो भाई अब एक बार ले लेते हैं चाय पानी, थोड़ा सा सर के लिए नींबू पानी बना देती हूँ, अपने लिए चाय बना लेती हूँ, या वाटरमेलन काटेंगे, ठीक है, वो खा के। और फिर जो है आगे पाइप, धूप ज़्यादा थी भाई, आँखों में लग रहा था सूरज, तो अब मैं आगे करने जा रही हूँ। ठीक है, ओके जी, पापा। अच्छा, यहाँ पहुँच गए डॉक्टर साहब, वेरी गुड। इतनी गिर ना जाना, कर दिया डॉक्टर साहब, हो गया है, मान नहीं रहे आप भी दो पैर को। छत पर बैठ के कर देंगे, स्कॉर्पियो की छत पर बैठ के ना। हाँ, उन और बैठवा दें नीचे मेरे को। हो गया,